हाय नमस्कार फ्रेंड, और एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करता हूँ। तो पीएम किसान तरफ से कुछ अपडेट आया है, ये अपडेट क्या है इस विषय में आज कुछ बताने वाला हूँ। जो कि पैसा आने वाला है 16वां किस्ती, तो किस्ती कब आएगा और किन किन को मिलेगा, पूरी ये जानकारी वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा। तो वीडियो पूरा देखिए, समझ जाता है। सबसे पहले मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है, जो हम लोग का ब्लॉग का जो एग्रीकल्चर ऑफिस है, वो मेरे को मैंने ग्रुप में कुछ मैसेज डाला था पीएम किसान का अपडेट विषय में। तो अपडेट वो मैसेज क्या है आप लोगों को जरूर बता दूंगा। तो इसमें लिखा हुआ है, आपका यदि कोई भी इशू है आपका पीएम किसान पैसा आने में, और उसमें आपको चेक कैसे करेंगे, उस विषय में आप कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले आपको स्टेटस पीएम किसान समय निधि योजना में जाना है, नहीं तो पीएम किसान जो एप्लीकेशन है उसमें जाना है और अपना स्टेटस चेक करना है। लैंड सीडिंग यस है कि नहीं है, उस यदि नो है तो आपको कुर्सो पोडिशा करना है, इसमें सब सब लिखा हुआ है। और एनपीसी स्टेटस आपको चेक करना है, उसमें यदि नो भी आ रहा है तो आपको बैंक में जाना है। एनपीसी एक तो फॉर्म मिलता है, वो फॉर्म को आपको भरना है और बैंक में सबमिट करना है, उसको रिन्यूअल करवाना है। और ये दो ठूक हो गया, उसके बाद आपको ई केवाईसी आप खुद कर सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जाके। साइड में आप यदि आधार मोबाइल नंबर ऐड है तो आप उसमें जाके खुद कर सकते हैं, यदि आपका आधार मोबाइल नंबर ऐड नहीं है तो आप कोई भी सीएससी सेंटर में जाके ई केवाईसी कर सकते हैं। और ये आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो प्ले स्टोर में आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, उसमें भी जाके आप ई केवाईसी कर सकते हैं। तो लैंड सीडिंग के लिए आपको समझ आ गया कि आपको क्रूस ओडिशा से है तो क्रूस ओडिशा करना पड़ेगा, और एमपीसीआई कुछ और प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको बैंक में जाके करना है। तो पैसा अब आएगा मार्च में 16वां किस्ती, तो इसके लिए आपको ये सब चीज़ क्लियर करना है। यदि सब चीज़ क्लियर नहीं रहेगा तो आपको पैसा नहीं आएगा, तो जल्दी से जल्दी करिए। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है 18 मार्च पर्यंत तो पीएम किसान मैंने जो आपका अपडेट कुछ इशू है तो आपको अपडेट मार्च तक आपको क्लियर करके रखना है, तभी आगे आपका पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ मैसेज आया है। तो इस अपडेट को आपको देना जरूरी था, इसलिए हम अपडेट दे दिए। तो यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो जरूर वीडियो को जरूर लाइक करिए। नमस्कार, जय हिंद।